ही तो हूँ, एक कमी थी जिंदगी में, हर कदम हर मोड़ पर एक दिन खुद को पुकारा, इल्म को आवाज दी, सुना सा कुछ नया सा, एक नगमा गूंज उठा, अपने पे ईमान आया, अपने पे आया यकीन, पा लिया है मैंने जिसको, खुद ही हूँ खुद ही तो हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सरकार ने इतना बड़ा तार लगाया है, दिखता नहीं है क्या? अरे भैया, क्यों बिगड़ते हो? नीचे पड़ी हुई लकड़ियाँ उठा रहे हैं, कोई सरकार को लूट थोड़ी रहे हैं। कहा ना, पीछे हटो, ये जंगल सरकार के हैं, इन्हें घर की खेती समझा क्या? अरे जंगल सरकार के हैं तो सरकार भी तो हमारी है, और फिर लकड़ियाँ नहीं ले जाएंगे तो हमारे चूल्हे कैसे जलेंगे? तेरे घर चूल्हा जलाने का हमने कोई ठेका ले रखा है क्या? चलो छोड़ो ये सब गट्ठर और बाहर निकलो यहाँ से। क्यों जरा सी बात बढ़ाते हो भैया? अरे चार लकड़ी उठा लेने से। ए लक्ष्मी, क्यों इनके हाथ पैर जोड़ रही है? जंगल पे हमारा हक बनता है। अरे हमारे बाप दादाओं के समय से ऐसा ही हुआ है। बाप दादा के टाइम पे परमिट नहीं था, पर तुम क्या जानो लाइसेंस परमिट। अरे खूब सुना है ये लाइसेंस परमिट, हम गरीबों को सताने के बहाने हुए इस दफ्तर से उस दफ्तर, ये फार्म वो दस्तखत, इस परमिट के चक्कर में पूरे पूरे दिन निकल गए हमारे। देख भैया, हम तो ये लकड़ियाँ लेकर ही जाएंगे, सूखी लकड़ी है, जमीन से उठाई है, तू जो चाहे कर ले, जा। बताऊं पार्वती, मुन्नी का बुखार कम ही नहीं होता, सुबह शाम सांस चलती है और खांसी भी कम नहीं होती। क्यों, दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा? दवा दी कहां, सुबह शाम बस काढ़ा ही देती हूँ। पर तुझे तो डिस्पेंसरी डॉक्टर के पास जाना था। अकेली कैसे जाएगी बेचारी, किशन साथ ले चले तब तो, पूरे घंटे भर का रास्ता जो ठहरा। क्यों नहीं ले जाता किशन, अभी तो बुआई कटाई का काम भी नहीं है। रोज कहती हूँ, पर सुबह से ही नशा करके कोई बहाना बना देता है, जैसे मुन्नी उसकी सौतेली बेटी हो। अरे कौन है सौतेली? मुन्नी, क्या मैं देख रेख नहीं करता उसकी? दुनिया भर में शिकायत करती रहती है। अरे एक जरा सी खांसी क्या हो गई, सारा गांव सर पे उठा लिया। किशन, मुन्नी को खांसी जुकाम नहीं है, देख जरा 10 दिन से इसका बदन तप रहा है। तो क्या करूं, सारा काम काज छोड़कर बच्चे की देखभाल में लग जाऊं? तो बिगड़ता क्यों है, एक दिन की छुट्टी लेकर रंगपुर चला भी जाएगा
तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। अब लल्ली बच्ची को लेकर बैठ सकती है, पर डिस्पेंसरी डॉक्टर के पास अकेली नहीं जा पाएगी। और फिर तू ठहरा बाप, बच्ची का इलाज तू नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? हाँ, कल सुबह तड़के निकल जाना, 8 बजे की बस है और दोपहर 1-2 बजे तक लौट भी आओगे। अच्छा लल्ली, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी हालचाल पूछने। अरे हाँ, जा ही रही है तो अपनी आँख भी दिखा लाना। दिखा दूंगी, वही रंगपुर में चश्मा भी बन जाएगा तेरा। ठीक है। अच्छा अच्छा लल्ली, ध्यान रखियो। हाँ आपने चाय पी ली माँ जी? अच्छा मैं अभी बना देती हूँ, वो लल्ली के यहाँ रुक गई थी तो थोड़ी देर हो गई। लड़ने झगड़ने से फुर्सत मिले तो चाय भी बना देगी। मैंने किससे झगड़ा कर लिया? क्यों, गारद से झगड़ा नहीं किया था तुमने? आके शिकायत कर रहा था प्रमुख से। तुम तो मेरे बेटे की नाक कटवा के रहेगी। अब छोड़िए माँ जी, अगर मैं ये लकड़ियाँ नहीं लाती तो चूल्हा कैसे जलता? औरतें भी तो थी, गारद ने उनका नाम क्यों नहीं लिया? तू ही क्यों लीडरी करती फिरती है? क्योंकि तेरी बहू लीडर है अम्मा। पागलों जैसी बातें मत कर बिरजू, इसे समझा, गांव भर से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है। ये प्रमुख तो आपको यूं ही उल्टी पट्टी पढ़ाता रहता है। हम औरतें गारद से डरी नहीं तो वो चिढ़ गया और दौड़ा आया प्रमुख के पास शिकायत करने। क्यों जी, लकड़ी उठाना गलत है क्या? तूने ठीक ही किया। सुना है गांव वालों का और सरकार का केस चल रहा है। कोर्ट कचहरी में कुछ भी हो तू इसे मना क्यों नहीं करता? पर अम्मा, पर तू क्यों मना करेगा? चोरू का गुलाम जब ठहरा, नकेल दे रखे इसके हाथ में, जिधर चाय घुमा देती है। और आपका क्या हुआ, बीज बॉय का लोन मिला? आज तो बैंक बाबू जल्दी घर चला गया था, कल फिर जाऊंगा। जमीन के सारे कागज ले आया, अब तो लोन पास कर दीजिए प्रवीण बाबू। इस पर तो लिखा कि ये जमीन तेरे बाप के नाम पर। पहले थी, जब से बाबू गुजरे हैं मेरी है, पिछले साल से मैं ही देख रहा हूँ। पर इस पर तो तेरे बाप का नाम लिखा है, लोन तुझे कैसे दे दूँ? पर सारा गांव जानता है बाबू गुजर गए। अरे भाई, जानता तो मैं भी हूँ, पर इस बैंक के ऑफिसर तो नहीं जानते ना, वो तो मेरी ही गर्दन नापेंगे। अरे भाई बिरजू, मैं तो इनके सामने खड़ा हूँ जिंदा इंसान, फिर भी इनको पेंशन के लिए सबूत चाहिए कि पिछले महीने में जिंदा था। देखा, अब तू जा बिरजू, टाइम खराब मत कर, पहले इसमें पटवारी से दाखिला करवा ला, फिर मैं लोन दे दूं। क्या हुआ बिरजू, मिल गया लोन? नहीं ना। अरे तू जाकर पार्वती से बोल, वो यहाँ आकर धरना देगी, आजकल लीडर जो बन गई है। आप पार्वती के पीछे क्यों पड़ गए हो, रोज अम्मा के भी कान भरते हो। लो और सुनो, मैं तो तेरी तरक्की की बात कर रहा था, कल बीबी लीडर थी, आज ग्राम पंचायत की मेंबर भी बन सकती है, और कौन जाने कल ग्राम प्रमुख भी बन जाए। आप ठीक कहते हो प्रधान जी, आपसे तो अच्छी ही प्रमुख बनेगी पार्वती, और अब तो पंचायत में कोटा भी है। क्यों नहीं, रामगढ़ को अब एक अनपढ़ प्रमुख की तो जरूरत है। उसका बस चले तो गांव का सारा कामकाज अपने हाथ में ले ले, पंचायत पंचायत का तो सब ढोंगे करता, तो मनमानी है। पर इस बार मैं पार्वती को पंचायत के लिए खड़ा करूंगा। बिल्कुल
खुली पावला हो गया क्या है? पार्वती घर तो संभाल सकती नहीं है, पंचायत खूब संभालेगी। हाँ हाँ संभालेगी, तुझे क्या मालूम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अब तो औरतें बड़े से बड़े ओहदे पर है। तू ही समझा इसे, या मेरी तो कुछ सुनता नहीं है। अम्मा ठीक ही तो कह रही है, भला मैं कैसे? क्यों नहीं, और जो औरतें पंचायत में उनके सिंह पूछे क्या? आखिर सरकार ने कुछ सोचकर ही कोटा बनाया है। सारे गांव में भत पिटेगी और सारी बिरादरी में नाक कटेगी, तब तुझे होश आएगा। कर, तुझे जो करना है कर, मुझे कुछ नहीं लेना देना। अच्छा प्रधान जी तो बोल रहे थे पंचायत के लिए भरा है फॉर्म? अब जब नाम दर्ज कराए तो शर्म कैसी? शर्माता कौन है? हाँ नाम भरा है, इसमें शर्म कैसी? क्यों, जब इसने नाम की जगह अंगूठा लगाया तब शर्म नहीं आई? क्यों? 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 जब इसने नाम की जगह अंगूठा लगाया तब शर्म नहीं आई? सुनो मेरा नाम वापस ले लो, मैं पंचायत के लिए नहीं खड़ी हो पाऊंगी। अब तुझे क्या हो गया है, क्यों नहीं खड़ी हो सकती? सुना नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, और मैं हूँ भी तो अनपढ़, अंगूठा छाप, भला मैं गांव वालों के लिए क्या कर पाऊंगी? पार्वती, चल पार्वती जल्दी चल, लल्ली की बेटी क्या हुआ उसे? मर गई बेचारी। क्या कह रही है तू? तो जल्दी चलना लल्ली, तो बस थी। तूने सोचा होगा दूसरा बेटा आ जाएगा, पर किशन अब तेरी मुन्नी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मैंने किशन को बहुत समझाया, शराब छोड़ दे, जाके बेटी का इलाज करा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी।
पर कल जब तू पंचायत में होगी तो इन सबको तेरी बात सुननी होगी। और फिर लल्ली की भी हिम्मत नहीं हुई, रंगपुर एक घंटे का तो रास्ता है, कोई हल्द्वानी थोड़ी जाना था। डिस्पेंसरी डॉक्टर दवा दे देता तो मुन्नी बच जाते। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? सेंटर, दवा, इलाज, बच्चों की देखरेख, तू नहीं चाहती ये सब बातें हमारे गांव में भी आए? अभी तू अकेली अपनी आवाज में बोलती है, कल तेरे साथ पूरी पंचायत होगी, तेरी बात में वजन होगा। तुम सच में चाहते हो कि मैं चुनाव लड़ूं? क्योंकि मैं जानता हूं तू कुछ कर सकती है। पर वो अंगूठा छाप वाली बात? तो मत रहे अंगूठा छाप, आजकल पढ़ने के हजार साधन हैं। सेंटर जाकर उमा बहन जी से मिल ले। पंचायत घर से लौट रहा था, सोचा दर्शन करता चलूं, पर आज आपको समय कैसे मिला? घर में रोटी पानी बहुत देख रही है क्या? अजी प्रधान जी, ऐसी बहू होती तो रोना किस बात का था। मुझे तो घर के कामकाज से पल भर को फुर्सत नहीं मिलती, भगवान के दर्शन तक को तरस जाती हूँ। पार्वती का पैर तो घर पे टिकता ही नहीं है। अभी क्या देखा है भौजी, अभी तो तमाशा देखती जाओ। ये जो इलेक्शन का भूत सिर पर सवार हुआ है ना, ये तुम्हारी घर गृहस्थी तो चौपट कर ही देगा, तुम्हारा जीवन भी नरक कर देगा। बेटा बहू बाहर और तुम लगी रहो सेवा में। अब क्या करूं भैया, मेरी तो पार्वती एक नहीं सुनती है, पर बहू को क्या दोष दूं जब अपना ही सिक्का खोटा निकले। जाने बिरजू को क्या हो गया। तुम बिरजू को बताओ, उसे समझाओ, औरत के बाहर जाने से कितनी बदनामी होगी, जग हंसाई होगी सो अलग। मैं तो हार चुकी हूँ प्रधान जी, अब आप ही कुछ कीजिए। कुछ ऐसा हो कि पार्वती चुनाव में ना खड़ी हो और मेरा घर बच जाए। अब तुम्हारा घर बचाना तो मेरा धर्म हुआ ना भौजी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिरजू, ओ बिरजू। क्या बात है प्रधान जी, मुझसे क्या काम पड़ गया? तेरे काम के लिए ही तुझे ढूंढ रहा हूँ। बुआई शुरू कर दी तूने? लोन मिल गया क्या? नहीं तो, पैसे उधार लिए हैं। इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ, तेरा लोन मैं तुझे दिलवाऊंगा, पर वीन बाबू के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है, पटवारी से बात करके मामला दो दिन में निपटा दूंगा। पर अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों हो गई? तेरी माँ मेरी भौजी हुई तो तू भी तो मेरा बेटा हुआ। काम की बात करो प्रधान जी, इस सब के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस पार्वती से कहो अपना घर संभाले, अपनी सास की सेवा करे। सोच ले बिरजू, ये रोज रोज की पैसे की तंगी, लोन के लिए मारा मारी, बस तू एक बार पार्वती का नाम वापस ले ले, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर तेरा लोन पास करा दूंगा।
तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं ये बिरजू कहाँ रह गया। प्रधान जी कब से उसकी राह देख रहे हैं, इसे बड़े छोटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे कल तक तो घर जमीन के कागज लिए फिर रहा था। वो तो अपने प्रधान जी हैं जो उसका भला करवा रहे हैं। भाई बिरजू की जान की तो बड़ी आफतें हैं, वो बाहर का देखे या घर पर जोरू को संभाले। पार्वती तो रोज नए नए फसाद करती रहती है। पहले जंगलात वालों के पीछे पड़ी रहती थी, इतना भी नहीं सोचा कि गांव में आपकी टाल है। अगर सब ऐसे ही मुफ्त में लकड़ी लेने लगे तो क्या दुकान पे खरीदने आप जाएंगे? अरे अब तो नशाबंदी को लेकर शुरू हो गई है, सारी औरतों को बहकाती है और लल्ली तो बिल्कुल उसके कहे में है। वहाँ भी नुकसान प्रधान जी का ही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी शराब की दुकान बंद हो जाएगी। तुम लोग तो बस काल बजाते हो, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। लो आ गया बिरजू। आ बिरजू आ, कहाँ रह गया था? आज से तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अरे जमीन के कागज नहीं लाया क्या? भाई बिना कागज पत्थर के काम कैसे चलेगा? तेरी तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, काम भी कराएगा कागज भी नहीं लाएगा। मुझे आपसे कोई काम नहीं करवाना प्रधान जी, मैं यही कहने आया था कि पार्वती चुनाव लड़ेगी। मुझे लोन मिले ना मिले, मेरे घर फसल हो ना हो, पर पार्वती चुनाव जरूर लड़ेगी। क्या हो गया तुझे? अपना भला बुरा भी नहीं सोच सकता? जोरू के आगे तुझे कुछ सोचता है कि नहीं? दूर की सोचकर ही मना कर रहा हूँ प्रधान जी। आपने बहुत दिनों तक हमें भुलावे में रखा, पर अब आपके राजपाट के दिन पूरे हुए। आज पार्वती है, कल कोई और होगा। सोच बदलेगी, समझ बढ़ेगी, बदलाव तो आकर ही रहेगा। दिन हो गए प्रधान जी, लड़के की कोई खबर ही नहीं आई। जरा लिद्दू की खबर तुरंत भेजें, उसकी माँ भी बहुत परेशान है। काका तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। अरे चिट्ठी आते आते भी तो समय लगता है, अभी पिछले महीने तो भेजी थी चिट्ठी, तुम फिर आ गए लिखाने। अब हमारे दुख सुख आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? जरा फिर से लिख दो। अरे काका मुझसे क्यों लिखवाते हो, अपनी नई प्रमुख महोदया से लिखवाओ ना, शायद कल चुनाव जीत जाए। क्यों पार्वती, ये कैसे पंचायत में बैठेगी? औरतें कहाँ मेंबर होती हैं? आजकल तो अनहोनी का जमाना है, पार्वती रामगढ़ की पहली अनपढ़ मेंबर भी तो होगी। चुनाव में हार जीत का फैसला तो कल हो ही जाएगा। और रही बात अनपढ़ होने की, तो जन्म से तो सभी अनपढ़ होते हैं, पढ़ लिख कर सयाने हो जाते हैं। तो तू क्यों नहीं हो जाती सयानी, तुझे किसने रोक रखा है? काका अब तो ये चिट्ठी यही लिखेगी। प्रधान जी लिख दे काका की चिट्ठी, पार्वती कब से राह देख रहे हैं ये। बोलो काका क्या लिखना है? हाँ प्यारे बेटे महेश, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आई। अपना हाल लिखना। मनी ऑर्डर भी नहीं आया, मां का आशीर्वाद, तुम्हारा बापू।
लो काका।